हेलो एवरीवन, दिस इज़ मयंक और ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है आइल्स राइटिंग टास्क वन पर। ऑलरेडी मोर देन 50 वीडियोस हमने अपलोड कर दिए हैं हमारे चैनल मयंक सर इंग्लिश क्लासेस पर, और आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये नेक्स्ट वीडियो है हमारा। लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द वीडियो। सो यू कैन सी ये वीडियो किसके बारे में, लाइन ग्राफ के बारे में है। द लाइन ग्राफ बिलो शोज द प्रोडक्शन ऑफ पेपर वुड पल्प एंड सोन वुड इन द यूके फ्रॉम 1980 to 2000। तो जो लाइन ग्राफ है ये क्या शो कर रहा है, ये प्रोडक्शन को शो कर रहा है। किसकी प्रोडक्शन, पेपर नंबर वन, नंबर टू इज वुड पल्प एंड नंबर थ्री सोन वुड। तीन चीज़ों की प्रोडक्शन ये डिस्कशन कर रहा है। ओके, देखते हैं अभी। देखो ये 1980 से लेकर 2000 तक, और जो प्रोडक्शन है ये हमारी मिलियन टन में है, और हमें ये पता होना चाहिए कि 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, राइट। और यूके के बारे में ये प्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट इंडस्ट्री देखते हैं। देखो सबसे पहले पेपर एंड पैकेजिंग, तो पेपर एंड पैकेजिंग है इसमें क्या है, डायरेक्ट एक इंक्रीज है, एक पहले एक स्टेडी इंक्रीज है, देन एक क्विक इंक्रीज है। तो दो तरह का राइज मिल रहा है, पहले एक स्टेडी राइज है, उसके बाद एक फास्ट या रैपिड राइज हम कह सकते हैं। ओके, और जो बाकी के दो हैं उनमें क्या है, ओवरऑल एक डाउनफॉल दिख रहा है। जो हमारे पास सोन वुड है, डॉटेड लाइन है, इसमें एक डाउनफॉल है, और जो ब्लू डॉटेड है ये वुड पल्प, इसमें भी ओवरऑल एक डाउनफॉल ही दिख रहा है। लेकिन ज़्यादा जो मैक्सिमम डाउनफॉल दिख रहा है वो क्या है, सोन पल्प में सबसे ज़्यादा डाउनफॉल दिख रहा है हमारे को। मैक्स जो डाउन ट्रेंड है वो सोन पल्प में शो हो रहा है, और वुल पल्प में भी एक मॉडरेट डाउनफॉल हम कह सकते हैं। और जो ये दोनों के दोनों पॉइंट हैं, ये देखो 1990 में ये तीनों के अंदर एक चेंज आया है। 1990 के बाद जो पेपर एंड पैकेजिंग है इसमें काफ़ी अच्छा राइज है, और जो हमारा वुड पल्प है ये इसमें थोड़ा सा स्लाइट राइज है, और सोन पल्प के अंदर एक डाउनफॉल दिख रहा है हमारे को। तो ये अब हमारा मैप है बेसिक, तो हम डिस्कशन करते हैं अब इन सब मैप्स की, अलग अलग लाइंस की डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन की फर्स्ट लाइन में क्या होता है, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सब को कवर करते हैं। द लाइन चार्ट डिस्प्लेस डाटा कंसर्निंग प्रोडक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट इंडस्ट्री इन द यूके फ्रॉम 1980 to 2000। तो 1980 से लेकर ये डाटा 2000 तक है, यूके का डाटा है। यूके के पहले द लिखा जाता है, और डाटा कंसर्निंग, कंसर्निंग की जगह पे देखो हम रिलेटेड वर्ड रिलेटेड टू भी लिख सकते हैं। कंसर्निंग लिख दें चाहे हम लिख दें रिलेटेड टू, एक ही बात होती है रिलेटेड टू। ओके, लुकिंग फ्रॉम एन ओवरऑल परस्पेक्टिव इट इज़ रेडिली अपेरेंट डेट पेपर एंड पैकेजिंग नॉट ओनली अकाउंटेड फॉर द मोस्ट प्रोडक्शन थ्रू आउट बट ऑल्सो इंक्रीज मोस्ट सिग्निफिकेंटली। जो हमारा सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसका है, वो है हमारा पेपर एंड पैकेजिंग का, और इसी में सबसे ज़्यादा भी है, और इसमें राइज भी सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। एंड इंक्रीज्ड मोस्ट सिग्निफिकेंटली, तो सबसे ज़्यादा ये राइज भी किया है। प्रोडक्शन ऑफ वुड पल्प फेल स्लाइटली बट ओवरटुक स्वैन। जो हमारी वुड पल्प है इसमें एक डाउनफॉल दिखता है हमारे को, स्टार्टिंग में भी कम था ये, और ये डाउनफॉल हुआ, बट इट ओवरटुक, बाद में इसने क्या किया, पीछे छोड़ दिया स्वैन को, स्वैन सोन वुड को। प्रोडक्शन ऑफ वुड पल्प फेल स्लाइटली बट ओवरटुक सोन वुड विच ड्रॉप्ड स्टेडली, जो बाद में धीरे धीरे गिरती ही गई। जब कोई चीज़ धीरे धीरे गिरती आती है तो हम क्या लिखते हैं, ड्रॉप्ड स्लाइटली या फेल स्लाइटली, ड्रॉप्ड स्टेडली, सॉरी स्टेडली का मतलब होता है धीरे धीरे। जब भी कोई चीज़ धीरे धीरे गिरेगी तो हम क्या लिखेंगे, ड्रॉप्ड स्टेडली बाय द एंड ऑफ द पीरियड, इस पीरियड के एंड यानी कि 2000 तक आते आते। सो एक हमने जनरल ओवरव्यू देखा इसका, अब हम क्या करेंगे, इसके डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, वो देखते हैं। लुकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल एट पेपर एंड पैकिंग, तो फर्स्ट लाइन हमारी पेपर एंड पैकिंग के अंदर है। देखो हमें जितने भी बिगनिंग, जितने भी पॉइंट में चेंज आए वो सबको कवर करना चाहिए हमारे को। सो बिगनिंग में क्या है, 1980 में स्टार्ट हुआ, सो 1980 से लेकर 1990 तक देर इज स्टेडी राइज। प्रोडक्शन 1980 स्टूड एट अप्रॉक्सीमेटली, तो स्टार्टिंग किससे हुआ, पहले स्टार्टिंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे। 230 मिलियन टन वॉज द प्रोडक्शन, ग्रू स्टेडली टू 250 मिलियन इन बाय 1990। ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, और अगले 10 सालों के अंदर क्या है, आउटपुट सर्ज। देखो एक स्टार्टिंग में क्या है, थोड़ा सा हल्का सा राइज है, तो हमने क्या बोला, ग्रू स्टेडली, और बाद में एक अच्छा खासा राइज है, तो हमने क्या लिखा, सर्ज वर्ड का इस्तेमाल किया। जो अच्छा खासा इंक्रीज होगा वो यूज सर्ज, फाइनली रीचिंग 350 मिलियन टन बाय 2000। तो ये हमने फर्स्ट लाइन यानी कि पेपर एंड पैकेजिंग की लाइन को डिस्कस किया है। इसके बाद देखते हैं हमारा सेकेंड लाइन कौन सा है। सोन वुड एंड द वुल पल्प वर कंसिडरेबली लोअर, इनकी स्टार्टिंग कम थी। द फॉर्मर स्टार्टेड एट प्रिसाइसली, देखो प्रिसाइसली कब लिखते हैं हम वर्ड, प्रिसाइसली वर्ड तब लिखा जाता है जब हम किसी इन्फॉर्मेशन को लेकर एग्जैक्ट है, यानी कि जब एग्जैक्टली हमें पता हो कि डाटा क्या वैल्यू क्या है, तो हम प्रिसाइसली लिख सकते हैं, एग्जैक्टली लिख सकते हैं। और एट कब लगाते हैं, जब फिक्स्ड हमारे पास फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन हो, यानी कि परफेक्ट इन्फॉर्मेशन हो, तो हम यूज़ करते हैं एट। द फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला,
देखो यहाँ पे हम दो की बात कर रहे हैं, सोन वुड एंड वुड पल्प। कभी भी हम दो की बात करते हैं तो जो पहले वाला है इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मर। और ये ध्यान रखना है कि फॉर्मर के पहले द लिखा जाता है और बाद वाले को हम क्या बोलते हैं, लेटर। और लेटर के पहले भी द लिखना कंपलसरी होता है। द फॉर्मर स्टार्टेड एट प्रिसाइसली 200 मिलियन टन एंड फेल कंसिस्टेंटली। देखो फॉर्मर की अगर हम बात करें, लगातार ही गिरता जा रहा है, फेल कंसिस्टेंटली ओवर द टाइम सर्वे, जितने भी टाइम तक का ये सर्वे है। ओवर द टाइम सर्वे का मतलब जितने भी समय का ये सर्वे है इसमें लगातार डाउनफॉल एंड टू एंड एट क्लोज टू, और ये एंडिंग कहाँ पे हुई, अप्रॉक्सीमेटली की जगह पे हमने क्लोज टू लगा दिया, 114 मिलियन। और इन कंट्रास्ट, और अगर हम दूसरी साइड पर बात करें, वुड पल्प इट बिगैन लोअर एट 165 टन्स, डिक्लाइन ग्रेजुअली, पहले धीरे धीरे गिरता गया। जब कोई चीज़ में लगातार स्लो डाउनफॉल होता है तो फॉल स्टेडली भी कर सकते हैं या डिक्लाइन स्टेडली या ग्रेजुअली। ग्रेजुअली एंड स्टेडली का एक ही मतलब होता है, ग्रेजुअली या स्टेडली का मतलब होता है धीरे धीरे। ये धीरे धीरे गिरता गया एंड देन रिकवर्ड स्लाइटली, लेकिन बाद में इसमें क्या है, देयर यू कैन सी देयर इज अ रिकवरी, थोड़ा सा उठ गया ये। तो गिरने के बाद जब उठते हैं तो हम वर्ड लगाते हैं रिकवर्ड, और जब थोड़ा सा रिकवर हो तो हम क्या लिखेंगे, रिकवर्ड स्लाइटली टू ओवर 150 मिलियन टन इन 2000। तो ये हमने सारा का सारा कवर किया। एक मिनट लगेगा, आप सबके सबको एक साथ पढ़ते हैं। द लाइन चार्ट डिस्प्लेज डाटा कंसर्निंग प्रोडक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट फैक्ट्री इन द यूके फ्रॉम 1980 टू 2000। लुकिंग फ्रॉम एन ओवरऑल पर्सपेक्टिव इट इज रेडली अपेरेंट दैट द पेपर एंड पैकेजिंग नॉट ओनली अकाउंटेड फॉर द मोस्ट प्रोडक्शन थ्रू आउट बट ऑल्सो इंक्रीज मोस्ट सिग्निफिकेंटली। प्रोडक्शन ऑफ वुड पल्प फेल स्लाइटली बट ओवरटुक सॉन वुड विच ड्रॉप्ड स्टेडली बाय द एंड ऑफ द पीरियड। लुकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल एट द पेपर एंड पैकेजिंग, प्रोडक्शन इन 1980 स्टूड एट अप्रॉक्सीमेट 230 मिलियन टन एंड ग्रू स्टेडली टू 250 मिलियन टन बाय 1990। ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स आउटपुट सर्ज्ड, फाइनली रीचिंग 350 मिलियन टन्स बाय 2000। सॉन वुड एंड वुड पल्प फॉर कंसिडरेबली लोअर, ये थोड़ा डाउन था। द फॉर्मर स्टार्टेड एट प्रिसाइसली 200 मिलियन टन एंड फेल कंसिस्टेंटली ओवर द टाइम सर्वेड टू एंड एट क्लोज टू 140 मिलियन। इन कंट्रास्ट, जब भी कंपैरिजन करेंगे तो इन कंट्रास्ट के बाद कॉमा लगाना है। वुड पल्प बिगैन लोअर एट 165 मिलियन टन, डिक्लाइन ग्रेजुअली टू 150 मिलियन टन 1990 एंड रिकवर्ड स्लाइटली टू जस्ट ओवर 155 मिलियन टन इन 2000। अब हम क्या करते हैं, मेन मेन वर्ड्स जो हम यूज़ कर सकते हैं, डाटा की जगह पे हम नंबर या फिगर यूज़ कर सकते हैं, कंसर्निंग की जगह पे हम रिलेटेड टू भी यूज़ कर सकते हैं और हैविंग टू डू भी लिख सकते हैं। यूके की जगह पे हम द यूनाइटेड किंगडम लिख सकते हैं। थ्रू आउट का मतलब द होल टाइम। इंक्रीज्ड मोस्ट सिग्निफिकेंटली, वेंट अप द मोस्ट लगा सकते हैं हम। ग्रू स्टेडली, जब भी कोई चीज़ की हल्की हल्की आराम से ग्रोथ होती है तो हम क्या लगाते हैं, ग्रू स्टेडली या कंसिस्टेंटली, इंक्रीज कंसिस्टेंटली एक ही मतलब है। आउटपुट सर्ज्ड, जब भी कोई चीज़ के अंदर अच्छा खासा उछाल आएगा तो हम क्या लगाते हैं, सर्ज वर्ड लिखते हैं। या प्रोडक्शन ग्रू अलॉट। कंसिडरेबली लोअर, यानी कि जब किसी की वैल्यू अच्छी खासी कम है, जैसे किसी पॉइंट से अगर कोई अच्छा खासा डाउन है, अच्छे खासे लेवल पे डाउन है, तो हम क्या, कंसिडरेबली लोअर या मच लेस, कुछ भी लगा सकते हैं, मच लेस भी लिख सकते हैं या कंसिडरेबली लोअर भी लिख सकते हैं हम। ओके, स्टार्टेड एट, जब कोई चीज़ की स्टार्टिंग किस पॉइंट पर हुई तो उसको बताने के लिए लिखते हैं स्टार्टेड एट या बिगैन एट। ओके, और प्रिसाइजली एंड एग्जैक्टली, जब आपको कोई डाटा बिल्कुल क्लियर, जैसे कोई फिगर है और ये 50 मिलियन पे फिक्स है, अब ये पॉइंट है तो आपको पता है ये 50 मिलियन वैल्यू है। जब कोई चीज़ बिल्कुल क्लियर होती है, क्रिस्टल क्लियर, तो हम वर्ड लगाते हैं प्रिसाइजली या हम क्या लगाते हैं, एग्जैक्टली, क्या लिखते हैं, एग्जैक्टली। इन कॉन्ट्रास्ट कब लिखा जाता है, जब भी हम दो चीज़ों का कंपेरिजन करते हैं, जैसे ये हमारा पॉइंट ए है और अगर हम दूसरे की बात करें पॉइंट बी, तो हम कंपेरिजन करेंगे तो ए की बात करने में लिखेंगे इन कॉन्ट्रास्ट, यानी कि बी की बात करने से पहले हम इन कॉन्ट्रास्ट लिखेंगे, यानी कि हम कंपेरिजन कर रहे हैं। डिक्लाइन ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे गिरना, जब कोई चीज़ धीरे धीरे गिरेगी तो लिखेंगे डिक्लाइन ग्रेजुअली, डिक्रीज अ लिटल। रिकवर्ड स्लाइटली, वापस उठना, केम बैक अप अ लिटल एंड जस्ट ओवर, यानी कि जब कोई वैल्यू किसी पॉइंट से थोड़ी सी ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी ज़्यादा है, तो क्या लिखें, जस्ट ओवर, जस्ट ओवर या लिटल अबव। तो ये हमने कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट कवर किए हैं। विल डू मोर इन नेक्स्ट वीडियो। Thank you and have a nice time.